वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य का आज का एपिसोड तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप जी टीवी और जी फाइव पर कभी भी एपिसोड देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में आपको एक ऐसा धमाका देखने को मिलने वाला है जहां पर अब सबसे पहले रणवीर सामने आएगा और सभी एक एक फैमिली मेंबर्स से बोलेगा कि सब माफी मांगो। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा बवाल अब मचने वाला है, क्योंकि अब यहां पर ये कहानी जैसे ही खत्म होगी उसके बाद में दूसरी कहानी यानी ऋषि और प्रियंका की कहानी शुरू हो जाएगी। क्या क्या होगा आने वाले एपिसोड में खास, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिलते रहे और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले एपिसोड में कि यहां पर जब वापस आया है रणवीर घर के अंदर और उसके बाद में फिर भी यहां पर आलिया अपनी बात को छुपाने के लिए काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है, और वहीं दूसरी तरफ आलिया को थोड़ी बहुत भनक लग चुकी है कि इसके पीछे किसी और का नहीं रिया का हाथ था और रिया को बचाने के लिए वो आगे बढ़ेगी। लेकिन यहां पर रणवीर आगे आएगा और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे एक एक करके बोलेगा कि प्राची से माफी मांगो। इससे पहले यहां पर पूरी तरह से प्राची को पूरी तरह से बदनाम किया गया और उसके बाद में उससे जरा से भी माफी नहीं मांगी जा रही, और इसका साथ देने के लिए आगे आएगा अभी, और अभी यहां पर सबसे माफी मंगवाएगा, खासकर आलिया से, क्योंकि आलिया ने उसके ऊपर इतने दाग उछाले थे और जो कि उसके लिए काफी ज्यादा यहां पर बुरा सबक होगा, और इसी के लिए अब उसके मन में और ज्यादा नफरत पैदा हो जाएगी वो भी प्राची के लिए। और उसके बाद में इसकी भनक यानी जो ये काम हुआ है और इतना सारा कांड किया गया है वो रिया की तरफ से करवाया गया था, ये इसकी भनक लग चुकी है वो भी आलिया को, और आलिया अब उसके बाद में जाएगी रिया के पास में और पूरी तरह से उसे बोलेगी कि आखिर में तुमने ऐसा किया क्यों। उसके बाद में ये सब खुलासा होगा, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला है। अभी आपने देखा होगा ऋषि और प्रियंका के बीच में जो ये मैटर चल रहा था अब उसके ऊपर हवा लगाई जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा ट्विस्ट तो इसके बीच में आएगा कि यहां पर पूरब और दिशा के बीच में जो गलतफहमी पैदा की गई थी उससे रिलेटेड कुछ हिंट मिलने वाले हैं अब पूरब को, लेकिन वो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो क्या यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अभी और प्रज्ञा के बीच में जो दूरी आई है प्रियंका की वजह से, तो प्रियंका का राज खुल पाएगा? ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब यहां पर कोर्ट की हियरिंग चालू हो चुकी है और प्रज्ञा अब पूरी तरह से लग चुकी है उन सभी सबूतों को चाटने में। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिलते रहे और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।